और मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ हिंदी से एमए कर रहा हूँ। मैं क्लास में था तब मुझे पता चला कि कुछ वहाँ पे वीसी लॉज में हो रहा है। जब मैं वहाँ पे गया आफ्टर लंच से पहले, तो मैं ये देखा कि एवीपी के कुछ लड़के अंदर तोड़फोड़ करके शीशा तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगा कि एवीपी के लोग क्यों तोड़ रहे हैं। जब अंदर गया तो पता चला कि और सारे लोग आगे बैठ के अपनी मांग मतलब बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पे जाके मैं भी बैठ गया और बातचीत करने लगा। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और हम लोगों को देख के बस वहाँ पे बहुत सारे पुलिस आ गई और वो लोग को अंदर बाहर जा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि वो लोग बोले कि हम लाठी चार्ज करेंगे। जब मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि आप लोग लाठी चार्ज करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम लाठी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद वो लोग अंदर गए और पता नहीं अंदर से क्या बातचीत हुआ, बाहर आए और बिना हम लोगों को कुछ किए हुए अंदर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया माइक से और हम लोगों पर लाठी चार्ज किया। मेरा पूरा गला दबा रहे थे वो लोग। मैं उन्हें बार बार बोल रहा था कि छोड़ दो। मेरे साथ दो लड़कियां थीं जिन लड़कियों के उन लोगों ने कपड़े फाड़ दिए और मुझे मारते हुए बाहर लाए। जब मैं बाहर आ गया, गेट से बाहर आ गया, उसके बाद भी वो मेरे पीछे मारते जा रहे थे और मैं बोल रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से मुझे ये लगता है कि अंदर से उन्हें कहा गया कि जाओ और तुम इन छात्रों को मारो और इन लोगों को यहाँ से भगाओ, तभी उन लोगों ने ऐसा किया है। हम ये जो पुलिस द्वारा बर्बरता के साथ हम पे हमला हुआ है, हम इसकी खिलाफत करते हैं और तमाम जो प्रगतिशील लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि एक ऐसे समय में हमारे साथ आएं, क्योंकि पूरी तरह से डेमोक्रेसी पर हमला है। आज सुबह से ही जिसे मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी का चौथा खंभा कहा जा रहा है, उसे कल भी भगाया जा रहा था और आज भी कैंपस में कुछ लोग जो हमारे साथ सॉलिडरिटी दिखाने आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को बाहर भगा दिया गया है। कुछ SFI के लोग जब आए बाहर से गेट पर हमारे साथ सॉलिडरिटी दिखाने, तो बाहर उनको रगेद रगेद कर मारा गया है। कल जब पुलिस ने अटैक किया स्टूडेंट्स के ऊपर, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने या फैकल्टी ने, किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, जब पुलिस अटैक किया, देखिए हमारे 2-3 फैकल्टी भी पकड़ाए हुए हैं पुलिस में, और फैकल्टी वाले एक मैडम हैं MCA डिपार्टमेंट की हैं, उन्हें ये पुलिस ने वार्निंग दिया कि तुम जो हो यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें भी मारेंगे। आपके सामने हुआ है सर? जी, मेरे सामने ऐसा हुआ है और मैंने ये देखा है कि पुलिस हम लोग को पहले बोली थी कि हम लाठी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से लगता है उन्हें कोई बोला है। अंदर गए वो लोग, बातचीत किए और अंदर बाहर आए और एकदम से लाठी चार्ज कर दिए। उन्होंने हम लोग को वार्निंग भी नहीं दी कि हम लाठी चार्ज करेंगे, ऐसा उन्हें कुछ नहीं कहा और उन्हें बस मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने पत्थर भी फेंके हम लोगों पे।